हे हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज का हमारा टॉपिक है जनरल सर्जरी से, जिसमें चैप्टर का नाम है वुंड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने वुंड्स से रिलेटेड टॉपिक्स कवर कराए थे, जिसमें वुंड्स की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ वुंड्स, हीलिंग ऑफ द वुंड्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड्स हीलिंग, वुंड्स हीलिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वुंड क्लोजर या फिर वुंड सोचरिंग हम जिसे कहते हैं। इसमें सबसे पहला है प्राइमरी सोचरिंग। प्राइमरी कौन सी होती है? जो सोचरिंग वुंड के विद इन फ्यू आवर्स यानी कि अप्रोक्स 6 आवर्स के अंदर अंदर सोचरिंग हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोचरिंग। प्राइमरी सोचरिंग कैन बी डन प्रोवाइडेड किस किस केसेस में होते हैं? जो ऐसे ऑब्जेक्ट से लगे जिनका शार्प एज था, यानी कि नाइफ, रेजर ब्लेड, ग्लास, तो ऐसे केसेस में हम प्राइमरी सोचरिंग कर देते हैं। क्योंकि ऐसे वुंड्स में जो एजेस होते हैं वुंड की, वो बिल्कुल क्लीन होती है और जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। सेकंड आता है वुंड एक्सीजन। वुंड पहले एक्सीजन करना पड़ेगा, उसके बाद प्राइमरी सोचरिंग होगी। ये किन पेशेंट्स में की जाते हैं? जिनके वुंड्स के जो एजेस है वो जैक्ड होते हैं, ऐसे केसेस में जो टिश्यू है वो उसके नेक्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे में प्राइमरी सोचरिंग कर देंगे तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए पहले वुंड एक्सीजन करेंगे, उसके बाद प्राइमरी सोचरिंग करेंगे। उसके बाद थर्ड है वुंड एक्सीजन एंड डिले प्राइमरी सोचर, यानी कि वुंड का एक्सीजन तो कर दिया पर उसमें प्राइमरी सोचरिंग तभी की तभी करने के बजाय पेशेंट को 3-4 दिन बाद बुलाया और तब उसकी प्राइमरी सोचरिंग की, तो इसे हम कहते हैं डिलेड प्राइमरी सोचरिंग। तो ऐसे केसेस किन में होते हैं? लेसरेटेड वुंड हो, यानी कि पूरा का पूरा घाव छिल गया हो, और या फिर मेजर क्रश इंजरीज में ऐसे हम केसेस करते हैं। तो प्राइमरी सोचरिंग जो 6 घंटे के अंदर अंदर होते हैं वो इसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ग्रोस इडिमा हुआ होता है, टिश्यू टेंशन बढ़ जाती है, हिमेटोमा होता है, क्योंकि मेजर क्रश इंजरीज है, ब्लड वेसल्स भी क्रश हो जाती हैं, डिवाइटलाइज हो जाता है पूरा टिश्यू, कंटामिनेशन हो जाता है बैक्टीरिया का। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले क्या किया जाता है? डेड टिश्यू को हटाया जाता है, एक्सीजन किया जाता है, उसके बाद इरिगेशन किया जाता है। किससे? बीटाडीन से या फिर हाइड्रोजन परोक्साइड से। उसके बाद घाव को खुला छोड़ दिया जाता है और पेशेंट को 4 से 6 दिन बाद बुलाया जाता है। अगर तब देखा जाता है कि अगर इन्फेक्शन नहीं है तब उसकी सोचरिंग की जाती है। तो ये 2 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले दिन पेशेंट का जो वुंड है उसका एक्सीजन किया गया, डिब्राइडमेंट की गई, और 4 से 6 दिन बाद उसकी सोचरिंग की गई, तो इसलिए इसे डिलेड प्राइमरी सोचरिंग कहते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप है वुंड विद स्किन लॉस। ऐसे वुंड्स जिनमें स्किन लॉस हुआ हुआ होता है, ये जनरली एक्सीडेंट्स वगैरह में होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या आती है? स्किन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो स्किन लॉस हुआ है उसके नीचे जो भी टेंडन्स है, नर्व्स है, वो भी डेंजर में आ जाते हैं, उनका भी डैमेज हो सकता है। थर्ड, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो सेप्टिसेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद डिफॉर्मिटी और डिसेबिलिटी भी कुछ टाइम बाद आ सकती है। तो ऐसे केसेस में जितना जल्दी हो सके स्किन ग्राफ्टिंग कर देनी चाहिए, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन एटलीस्ट ना हो। अब फिफ्थ टाइप है सेकेंडरी सोचरिंग। इसमें जनरली क्या होता है? ऑपरेशंस के बाद ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से पस का डिस्चार्ज होता रहता है, उसकी वजह से सोचर्स खराब हो जाते हैं। ऐसे केसेस में पहले पेशेंट का इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल किया जाता है, उसके 7 to 14 days के बाद स्किन को रिलीज कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है फ्रॉम द एजेस ऑफ द वुंड, फ्रॉम द ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू से स्किन को फ्री कर दिया जाता है, उसके बाद स्किन का सोचराइजेशन किया जाता है। ऐसी सोचराइजेशन टेक्निक को हम कहते हैं सेकेंडरी सर्जरिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग आपको कराऊंगी, जिसमें जनरल और लोकल दोनों तरह के वुंड्स में आपको कराऊंगी। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।